देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी ठोस पदार्थ के गुण हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और द्रव अवस्था के बारे में भी हमने पढ़ा कि द्रव कैसे कैसे होते हैं और उनके बीच में प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, और गैस के भी गुण हमने पढ़ा। लेकिन आपको ये हमने साइक्लिंग प्रोसेस एक बता रहे हैं जो कि ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, और द्रव को फिर से हम जब गर्म करते हैं तो वो गैस में बदलता है। लेकिन अगर गैस को हम क्या करें, ठंडा यानी कूलिंग करना शुरू कर दें तो वो लिक्विड में बदलता है, और लिक्विड को और ठंडा करें तो सॉलिड में बदलता है। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने करके देख लिया, लेकिन इन सब प्रोसेस को कहा क्या जाता है तो वो एक जगह हम करके देखते हैं कि सॉलिड को जब हम हीटिंग करके लिक्विड में बदलते हैं तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग यानी गलना। कोई भी जैसे कि आप बर्फ देखते हैं, बर्फ जब पिघलने लगता है तो द्रव में बदलता, यह प्रक्रिया गलना कहलाता है, और इंग्लिश में कहा जाए तो मेल्टिंग, है ना। और जिस तापमान पर यह गलता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हमने कोई द्रव को और भी गर्म किया, हीट किया, और जब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है, या इवेपोरेशन कहते हैं, यानी वाष्पन भी। यानी कि ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, बॉइलिंग यानी उबलना भी कहते हैं, उबलने के बाद जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, दोनों एक ही साथ होता है। अगर हमने फिर गैस को कूलिंग इतना ज़्यादा ठंडा किया कि कोई भी गैसियस अवस्था में रहने वाला पदार्थ ठोस अवस्था में बदलता है, यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, संघनन। इंग्लिश में कहा जाए इसको तो कंडेंसेशन, है ना। और अगर कोई द्रव अवस्था में रहने वाला कोई पदार्थ सॉलिड में बदलता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, फ्रीजिंग, है ना। यानी आप देख सकते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस को, कि कोई भी द्रव है ना, कोई भी द्रव जैसे कि पानी है, उसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं यानी फ्रीज करके जमा के बर्फ बना देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कोई भी गैस है, संघनन होता है तो द्रव में होता है। यानी आप देख सकते हैं कुहासा के दिनों में यानी ठंडी के दिनों में तो देख ही रहे हैं, हमारा वाष्प में बदला हुआ पानी फिर से बूंद के तरह यानी फॉग के शक्ल में नीचे आता है द्रव के रूप में, और बारिश भी इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। लेकिन एक प्रोसेस और होता है, ये तो आपस में एक दूसरे से नज़दीक वाला है, लेकिन एक प्रोसेस और होता है जो सॉलिड टू लिक्विड होता है। यानी सॉलिड से कोई भी ठोस अवस्था में रहने वाला पदार्थ डायरेक्ट गैस में बदलता है तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में कहा जाए सब्लिमेशन। और फिर इन्हीं को ठंडा किया जाता है तो फिर से क्या होता है, बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, आयोडीन है, नथिलीन है और एंथ्रासीन है। ये सब ऐसे हैं जो ठोस में रहते हैं, डायरेक्ट गैस में बदलते हैं, और किसी हमने जार के माध्यम से उनको रोक लें और उनको फिर ठंडा करें तो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदलता है।